दोस्तों वाइल्ड स्टोन फॉग और एनवी जितना भी एक्सपीरियंस है यहाँ से आ रहा है ये गाय ये रहा भी। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी वायर से लोगों के घर में करंट का सुविधा। ओए वहाँ से पर्वत दिखा। हाँ कितनी खूबसूरत आंटी है हमारी। ओह माय गॉड मछली भी है यहाँ पे। वहाँ पे देखो गाय के लिए वो जो है चारा लिया जा रहा है। और अरे मत जा रहे भाई। कितना ज्यादा डरावना है। ये है खाना पड़ा का पर्वत। पीछे पड़ रहे तो अभी हम लोग को एहसास हुआ कि हम जिस जगह पे वो जो दूर में आपको पर्वत दिख ये रहा भी। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गोरखा ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बड़े होंगे। तो दोस्तों आज मैं गुवाहाटी के खाना पाड़ा गुवाहाटी के पास में है ये मेघालय पड़ता है। मेघालय के खाना पाड़ा के सबसे टॉप पहाड़ के सबसे टॉप पे पहुंचा हूँ। यहाँ से पूरा गुवाहाटी शहर दिखाई देता है। कम ब्रो मैं आप आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस पहाड़ में भी लोग रहते हैं और यहाँ का लाइफ कैसा है। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग जो है गाय है ना जर्सी गाय पालन पोषण करके अपना दूध का व्यापार करते हैं। दूध का व्यापार करके अपना मतलब परिवार को चलाते हैं। एंड दिस इज द खानापाड़ा माउंटेन्स टॉपेस्ट प्लेस। कम ब्रो ऊपर में उठ जा। ये आजा ब्रो दोस्त गाइस वो देखो व्यू। माय गॉड यहाँ से पूरा गुवाहाटी शहर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वो बिल्डिंग बन रहा है और वहाँ पे देखो क्रेन कितना ऊंचा क्रेन है भाई। पहाड़ का सबसे ऊंचा टॉपेस्ट प्लेस है फिर भी यहाँ में लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग जो जर्सी गाय जो है उसको पाल कर अपना भरण पोषण करते हैं अपना परिवार को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये देखो कितना बूम प्लेस है कितना मज़ेदार है। यहाँ पे मैं ऊपर उठने का कोशिश करता हूँ दोस्तों देखो लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल उठ नहीं पाता। कितना बूम प्लेस है भाई। पूरा रेड कलर का है। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता। और ये देखो ओह माय गॉड आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आप गुवाहाटी से सीधा खानापाड़ा आइए और खानापाड़ा में आप यहाँ पे पर्वत है इस पर्वत के ऊपर उठ सकते हैं और ऐसे खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लूट सकते हैं। और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है वो भी मैं इस ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। दोस्तों ये जो है पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। अरे भाई आ जाओ मेरे दोस्त। ओह माय गॉड अनबिलीवेबल द सीन। या भाई मैं ज़्यादा किनारे में जाने का कोशिश नहीं करूँगा। गाइस यहाँ से दिखाओ। ओह माय गॉड भाई ज़्यादा पास में मत जाओ। ओए वहाँ से पर्वत दिखा। यहाँ से गुवाहाटी शहर देखो नज़ारा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको संभल के आना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पे आपको खूंखार बड़े बड़े और शैतान भरे जो जानवर है कभी भी मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जंगल जो है कितना ज़्यादा डरावना है। तो मैं किसी भी जानवर का ब्रेकफास्ट बनना बिल्कुल नहीं चाहता। तो सावधानी बरतते हुए हम यहाँ से अब अपने घर की ओर हो रहे हैं। खाना पड़ा का पर्वत। तो दोस्तों ये है जर्सी गाय। तो दोस्तों यहाँ के लोग जो है ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे बड़े बड़े जर्सी गाय का जो है पालन पोषण करते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। तो ये एक गाय जो है कितना लीटर दूध देता है ये मेरे को पता नहीं। मैं अभी थोड़ी देर वहाँ पे 20-25 लीटर देता हूँ गाय। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा लिया है मास्क क्योंकि यहाँ से आ रहा है फॉग का स्मेल। तो दोस्तों वाइल्ड स्टोन फॉग और एनवी जितना भी स्मेल है यहाँ से आ रहा है। ये गाय कहीं मुझे किक ना मार दे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाय को भी आधार कार्ड पहनाया गया है। तो ये देखे हर एक गाय के कान में आधार नंबर है। तो इस पहाड़ पे लोग ऐसे गाय को पाल कर मतलब यहाँ का लाइफ ऐसा है। देखिए
और ये है मतलब यहाँ से गाय का सुसु चला जाता है, और ये है मतलब टट्टी, और ये देख सकते हैं वो देखो कितना बड़ा इसका थून है। तो यहाँ से कितना लीटर दूध देता है हमें पता नहीं, मैं वहाँ में जाके दीदी से पूछ लूंगा। 20 से 25 लीटर देता होगा एक गाय शायद। ये जो आपको जो ये जो चैनल दिखाई दे रहा है, सामने लाओ ना भाई कैमरा सामने लाओ, ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है नीचे देखा, ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये चैनल पे इनको मतलब चारा दिया जाता है, ठीक है, इस जगह पे दाना आप जो भी बोले। इस तरफ भी है देख सकते हैं गाइस, कम भाई ये कितना बड़ा है भाई। यहाँ पे लोग ऐसे हर घर में लोग ऐसे गाय को पालन पोषण करके अपना गुजारा करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो आपको चैनल बड़ा चैनल दिखाई दे रहा है, ओ तेरी ये जो इतना बड़ा चैनल, ओ हाँ जी क्या हो देना 24, 25, 26, 27, 28 लगभग 20 से 30 के बीच में है यहाँ पे गाय। तो वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे गाय घास, गाय का घास लिया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या इधर है पानी रखने वाला, बस ये भी है यहाँ पे। तो वहाँ पे देखो गाय के लिए वो जो है चारा लिया जा रहा है, और ये पानी है गाय के लिए, ये पानी गाय ने विसर्जन कर दिया है वहाँ पे। कम तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे पहाड़ के ऊपर में लोगों को करंट नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है सामने से देखा गया, ये जो तार दिखाई दे रहा है इसी वायर से लोगों के घर में करंट का सुविधा, लाइटिंग का सुविधा दिया जाता है। देखो ये कहाँ कहाँ से जो ऊपर से पहाड़ के ऊपर ऊपर तक ये करंट का सुविधा दिया गया है। इतना घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, वो भी घना जंगल। ओ वहाँ पे देखो भाई गुवाहाटी शहर जो है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, लाजवाब। और वहाँ पे देखो बिल्डिंग बन रहा है, और इतना बड़ा क्रेन, भले कि कैमरे में आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा बल्कि ये बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, सच में काफ़ी सुंदर है। देख सके कितनी खड़ी ढलान है, हम लोग कितने ऊपर गए थे पहाड़, और देखो ये कितनी नीचे कैसे ये जो जगह है कितना नीचे, अब हम लोग खड़ी ढलान की ओर नीचे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग को एहसास हुआ कि हम जिस जगह पे रह रहे थे वो काफ़ी नीचे है ना, बहुत ही नीचे है, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि वो काफ़ी ऊपर है, यहाँ से गिर ना जाऊँ भाई। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, और देखो वो नीचे सारा घर ही घर है। वो देखो वो है गुवाहाटी का शहर, वो दूर पे गुवाहाटी का शहर है, और ऐसे हम लोग यहाँ पे चल के आना पड़ता है। ओ भाई अरे मत जा रहे भाई, देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ आ गया हूँ। देखो ये सारा जो चारा है वो सारा चारा जो है गाय के लिए है ना, ये क्या है पराल की, पराल को क्या कहते हैं, पुआल, पता नहीं क्या कहते हैं। देख सकते हैं पुआल ही पुआल है भाई, उससे नीचे मत जा भाई, ऊपर ही आ जा, नहीं तो मुझे दुख के साथ लिखना पड़ेगा स्टेटस पे, मैं अपने आप को गोरखा ब्लॉगर रेस्ट इन पीस। अपने आप को क्या फील कर रहा पता है, वो जो क्या कहते हैं ना डिस्कवरी में उसका नाम क्या था, बियर गर्ल, हां मैं अपने आप को बियर गर्ल जैसा फील कर रहा हूं भाई। तो दोस्तों हम लोग कहां रहे थे वो घर में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, वो घर है मेरा चमा का घर, चमा यानी मेरा आंटी का घर, चमा का घर, नेवारी भाषा से चमा बोलते हैं, चमा कहते हैं। तो हम इसी घर पे मम्मी की बहन को, तो ये जो है मेरा सिस्टर है, देख सकते हैं मेरा प्यारा सा सिस्टर है, ये मेरा प्यारा सा सिस्टर है, और ये स्कूल जाने के लिए रेडी, इधर दिखा सर, हाय बोल दो भाई, देखो ये मेरा प्यारा सा सिस्टर है, और ये स्कूल जाने के लिए तैयार हुई है, और अंदर जो है मेरी चमा हमारे लिए नाश्ता बना रही है, ठीक है। इसे क्या कहते पीराना रोटी, बहुत ज्यादा गर्मी है। बाय कोई बनेगा बाय, कैमरा वाला डर लगता है, मलाई कितनी खूबसूरत आंटी है हमारी, ओह माय गॉड।
बहुत ही खुश लगती है हमेशा आंटी संग पूरा करे से मतलब बहुत राम लगा रे वेरी वेरी बाय आंटी बाय 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 ध्यान चिमला बाय लो बस नु आंटी 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 बाय। तो दोस्तों हमने आप लोग को पहाड़ दिखा लिया, तो हम यहाँ से इस तरह से नीचे उतर रहे हैं। तो देखिए गाइस इतने यहाँ से हम लोग चढ़कर गए थे और वो जो दूर में आपको पर्वत दिखाई दे रहा है वो पर्वत के ऊपर ही हम उठ गए थे और यहाँ से हमें नीचे उतरना है। तो देख सकते हैं ये और भी बहुत ज़्यादा नीचे है। तो गाइस आप लोग को ये पहाड़ कैसा लगा, आप लोग यहाँ पर घूमना चाहोगे या नहीं मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो गाइस तब तक के लिए बाय।